नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, हर टॉपिक के टॉप 10 करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। और इस क्रम में 7 टॉपिक्स के टॉप 10 करंट अफेयर्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, और इस महीने के टॉप 20 वो भी मैं कल ही अपलोड किया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉप 14 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में टॉप 14 क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये येलो कर रखे हैं, ये आपके रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 14 क्वेश्चंस में से पहले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने जहरीली धातु को किस धातु में बदलने वाले जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया की खोज की है। जहरीली धातु को ये बदलेगा सोने में, और इसका नाम है, यह है क्यूप्री ए विदस मेटाली डूरेंस। नाम तो अटपटा है, लेकिन फ्रेंड्स यदि आप इसको ढूंढ लेते हैं, इस नाम वाले को, तो ये आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को खींचकर सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है कनाडा देश में। CO2 से कनाडा, CANADA, ये मैंने ट्रिक आपको बताया था। और फ्रेंड्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के हवा में और उससे ईंधन बनाएगा, यानी पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और फ्रेंड्स, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर किस में बदलने का प्लांट ये कनाडा में लगाया गया है। तो इसका आंसर होगा सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल में बदलने का प्लांट लगाया गया है कनाडा में। लेकिन ये क्वेश्चन हर जगह इसी तरह से ही छपा है, ये तो इस तरह से पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? सबसे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी में इस तरह के काम जापान ही करता है। जापान ने ये प्रक्षेपण किया है, और इसी महीने इसने 3 फरवरी को एक और माइक्रो सैटेलाइट भेजा है, यानी सूक्ष्म उपग्रह। इसकी एक अंतरिक्ष एजेंसी आगे उसके बारे में बताऊंगा। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, उसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। और अगला है, अमेरिका की किस कंपनी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है? ये कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी का नाम है। और फ्रेंड्स, इन दोनों में अंतर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादातर इस तरह पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस हैं कि किस देश की कंपनी ने स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है। ये इसका आंसर होगा अमेरिका। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, तो वो काम भी पावरफुल कर रहा है, और जापान नैनो टेक्नोलॉजी का माहिर है, छोटे काम करता है, छोटा देश है, तो ये इसी तरह के रिसर्च कर रहा है, और ये पावरफुल देश है तो पावरफुल रिसर्च कर रहा है। और फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन मैं आपसे पहला पूछ लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि ड्राई आइस क्या होती है। हज़ारों बार कंपटीशन एग्जाम्स में इसको हिंदी में बोलेंगे शुष्क बर्फ क्या होती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ज़्यादातर हिंदी में भी ऐसे ही लिखा आता है कि ड्राई आइस, तो जल्दी से लिख दीजिए फ्रेंड्स इसका आंसर। और फ्रेंड्स, जो अमेरिका ने शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम है फाल्कन हैवी, मैंने पीछे लिख भी रखा था। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 5 का। फरवरी माह में व्हाट्सएप ने कौन सी नई सेवा शुरू की है? ये सेवा शुरू की है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा क्वेश्चन है ये, पेमेंट सुविधा, पैसों के लेन देन संभव हो सकेगा अब व्हाट्सएप से। अगला क्वेश्चन 6 का, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने किस रोग से लड़ने वाले सूक्ष्म अणुओं की खोज की है? स्वीडन के वैज्ञानिकों ने की है ये कैंसर के। और फ्रेंड्स, कैंसर दिवस अभी बनाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कैंसर दिवस किस दिन बनाया गया है। और इसका तीन साल से एक ही थीम चल रहा है, वी कैन आई कैन, यानी हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन मैंने पूछ लिए आपसे कमेंट्स के लिए।
यह एस के बेहतर प्रबंधन हेतु एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली तथा फ्लाई एस मोबाइल ऐप खालिस्तान मोबाइल ऐप का नाम आपको बताना है कौन सा है, यानी जो राख उड़ती है राख की निगरानी के लिए, जो राख सीमेंट ताप संयंत्र होते हैं और जो सीमेंट उद्योग होते हैं उनसे जो राख निकलती है उसको ट्रैक करने के लिए, उस इस ऐप का नाम है एस ट्रैक। और ये किसने लॉन्च किया है, ये एस ट्रैक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय विद्युत नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, इनका नाम है RK सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है ये ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है इसी वीडियो में। 3 फरवरी 2018 को जापान की एक किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में माइक्रो सैटेलाइट सूक्ष्म उपग्रह स्थापित किया है, इसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। और जापान ने इसी साल जो लॉन्च किया है, सबसे इसी महीने दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, सबसे छोटा रॉकेट वो जापान के। और फ्रेंड्स, इस साल के बजट में 1650 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की है साइंस से रिलेटेड, इस योजना शुरू की जाएगी ये भविष्य में अभी इसी साल, इसका नाम है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता। बजट से रिलेटेड हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट ये है PMRF, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 11 का, फ्रांस के सहयोग से कौन सी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी बनाई गई है, इसका नाम है करंज, इस पनडुब्बी का नाम करंज है, और ये किस देश के सहयोग से बनाई गई है, फ्रांस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीना मता समझौता किस धातु के उत्पादन को समाप्त करने हेतु किया गया है, इस धातु का नाम है पारा, मरकरी के उत्पादन को धीरे धीरे समाप्त करने की पूरी दुनिया में, इसके लिए मीना मता समझौता देशों के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्किन टैटू किस देश ने विकसित किया है, जर्मनी ने, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर हो गया इसलिए रिपीट हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 जनवरी 2018 को विश्व भर में हुए चंद्र ग्रहण को इस नाम से जाना गया, इसको पूरी दुनिया में जाना गया सुपर ब्लू ब्लड मून के नाम से, इस चंद्र ग्रहण को जाना गया था। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, हैप्पीनेस पाठ्यक्रम, ये है दिल्ली, इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन किया था कि मॉर्निंग असेंबली में किस राज्य में हर एक स्कूल में गायत्री मंत्र बोला जाएगा, ये नियम लागू किया है, ये राज्य है हरियाणा, इसका सही जवाब है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले सही जवाब आया अभिषेक सिंह ने, सबसे पहले सही जवाब दिया है। और सबसे पहला मैसेज आया रमेश गोटर का, सादुल, ये चूरू राजस्थान जयपुर या पट्ठा गाँव से हैं, इनका सबसे पहले मैसेज आया। उसके बाद हैं बजरंग मुंड, इन्होंने धन्यवाद दिया है। उसके बाद बजरंग मुंड का मैसेज है, फिर है बाबू मीना, फिर है राजेश वर्मा, और उसके बाद हैं सूरज राजपूत, फिर हैं राजेश वर्मा। इसके बाद हैं मनु बांडोरिया, फिर है मनु बांडोरिया का मैसेज है, फिर है सुंदर यादव, फिर है सुंदर यादव का मैसेज, फिर है मोहम्मद सईद, फिर हैं सोनू राज, फिर हैं परवाल उडानिया, उसके बाद है मनीष यादव, और इसके बाद हैं पूजा ठाकुर, फिर हैं सत्यवीर, फिर हैं सुमन वाला, फिर हैं लक्ष्मण योगी, फिर हैं पवन दास, फिर हैं अरविंद कुमार, फिर हैं सपना यादव, फिर हैं प्रज्वल त्रिवेदी, इसके बाद हैं जगेंद्र चौधरी, फिर हैं रमन गुजर, फिर हैं अशोक यादव, फिर हैं आशीष कुमार, फिर हैं मनोज, फिर हैं सोम गुजर, फिर हैं ईशा कुमार, इसके बाद हैं अनुपमा कुमारी, फिर हैं श्रीकेश मीणा, फिर हैं अरविंद सिंह चौहान, फिर हैं अर्चना वर्मा, फिर हैं रनुज चौहान, फिर हैं अर्चना वर्मा, फिर हैं मोही यादव, फिर हैं अमित यादव।